नमस्कार एवरीवन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो है निफ्टी मिड की आज एक्सपायरी थी, और आपको पता है जैसे कि मैं एक्सपायरी पर ही काम करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इस एक्सपायरी में आज एक मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट किया है, वो दिखाना चाहता हूं किस प्रकार से मैंने ये प्रॉफिट किया है और क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने इस प्रॉफिट को करने के लिए। हालांकि ये छोटा सा प्रॉफिट है, आप भी देख के कहोगे कि आप छोटा सा प्रॉफिट दिखा रहे हैं सर, लेकिन ये जो दूसरे अकाउंट में है दोस्तों, वो एक बड़ा प्रॉफिट है। ये बड़ा प्रॉफिट मैं आपको नहीं इसलिए दिखाता कि लोग सारे ही यूट्यूब पे बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा के ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं नहीं, मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप एक क्वांटिटी में अगर काम करोगे तो आप इतना प्रॉफिट ले सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से बड़ी क्वांटिटी लेते हो, आपके पास कितनी कैपिटल है दोस्तों, ठीक है। उस प्रकार से जब बाजार की स्थिति जो बनी हुई थी, आज मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें लगाता हूं, तो बाजार में एक 8775 पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है। और स्पोर्ट की बात करूंगा मैं, तो जब दिन की बात थी तो स्पोर्ट बहुत अच्छा इसमें एक वर्क किया है कि 8750 पर एक स्पोर्ट था जो बाजार को नीचे नहीं आने दे रहा था। वो मेरा शेड्यूल क्या बना हुआ था कि 8800 का एक कॉल मैंने सेल किया हुआ था, जिस प्रकार से मेरा प्रॉफिट, क्योंकि 8800 बाजार नहीं जाना है, क्योंकि 8800 पे जब मैं मार्केट में बैठा हुआ था तब 2 बजे 3 बजे भी एक जो पीसीआर था, पीसीआर मैजिक जिसे मैं बोल सकता हूँ, वो एक बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अंदर पीसीआर तो अच्छा वर्क करता है, लेकिन जो सेलर पॉइंट थे कि बाजार कहां से कहां तक नहीं जाना चाहिए, वो उस हिसाब से मैंने एक पोजीशन बनाई और प्रॉफिट किया, ठीक है। मैं एक बार छोटा सा प्रॉफिट दिखा देता हूं आपको, एम स्टॉक में जाके पोजीशन में 250 का एक प्रॉफिट है दोस्तों, ठीक है। 292 का प्रॉफिट था, हाला एक माइनस का बयाली लॉस है, क्योंकि स्ट्रेटल बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रॉफिट जो मैंने किया है, आज एक्सपायरी है और कल की मंगलवार की फिर एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, तो उसमें मैं पोजीशन बना के दिखाता हूं दोस्तों। मेरी वीडियो जो प्रॉफिट की आती है, छोटे छोटे प्रॉफिट की आती है, छोटा प्रॉफिट दिखाने का मेरा मकसद यही है दोस्तों कि आप एक क्वांटिटी में भी इतना प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आप बड़ा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता, छोटा प्रॉफिट इसलिए दिखाता हूँ कि आपको लगे भी हाँ भी छोटे एक लेवल पे भी काम किया जा सकता है, ताकि आप सीख सको। क्वांटिटी बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगता, जब आप सीख जाओगे प्रॉपर तब आप क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हो बड़े आराम से। अगर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से मुझे हेलो कर सकते हैं आप और सारी जानकारी मेरे से ले सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। आज जो एक्सपायरी है थी वो निफ्टी मिड कैप की थी दोस्तों, और जो कल एक्सपायरी रहने वाली है वो फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। और हमेशा मैं कॉल सेल करता हूं, पुट की तरफ मेरी कोई पोजीशन नहीं होती है। अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो दोस्तों बाइंग की तरफ चले जाते हैं, वरना मैं ऑप्शन सेलर हूं, हमेशा ऑप्शन सेल करके चलता हूं दोस्तों। तो एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने आज आपको दिखाया है, हालांकि ये बड़ा प्रॉफिट मेरे दूसरे अकाउंट में। सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से मुझे हेलो कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल द डे। और लेट वीडियो आने का मकसद दोस्तों, मैं कहीं बाहर चला गया था इसलिए थोड़ी लेट वीडियो आई है। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।